दोस्तों अगर आप ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनको भूल जाइए, क्योंकि एयरटेल लेके आया है आपके लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जिसमें आपको 7.25% का ब्याज भी मिलेगा और 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि आरबीआई ने एयरटेल को क्या क्या परमिशंस दे रखी हैं और एयरटेल पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों के लिए क्या क्या सुविधाएं लेके आ रहा है, और हम इसमें अपना खाता किस तरीके से खोल सकते हैं और एक साधारण ई वॉलेट की तरह किस तरीके से पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, योर टेक्निकल फ्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अत्री दीक्षित। दोस्तों अगर आपने अभी तक योर टेक्निकल फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस रेड कलर के बटन पर, लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। इस चैनल पर आपको कई सारे ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपको फ़ोन मेमोरी कैसे खाली करें, अगर आपके व्हाट्सएप पर फ़ोन कॉन्टैक्ट शो नहीं हो रहे हैं उसके लिए, क्यूआर कोड के लिए, एक मिस कॉल से जाने अपने खाते की बकाया राशि, इस तरीके के कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आप हमारे इन अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों एयरटेल उन कंपनियों में पहले नंबर पर आती है जिनको आरबीआई ने पेमेंट बैंक खोलने की परमिशन दी है। पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों को लगभग वो सभी सुविधाएं दे सकती है जो एक बैंक देती है, मगर इसमें कुछ कमियां हैं। वो ये कि पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं दे सकती, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती, और कुछ और चीज़ें भी ऐसी हैं जो पेमेंट्स बैंक के दायरे में नहीं आती है। पेमेंट बैंक छोटे ट्रांजेक्शनों के लिए है और आप इसमें केवल 1 लाख रुपये तक डिपॉजिट कर सकते हैं, 1 लाख से ऊपर की लिमिट इसमें नहीं है। एयरटेल को यह परमिशन अप्रैल 2016 में ही मिल गई थी। 11 अप्रैल 2016 को आरबीआई ने एयरटेल को यह परमिशन दे दी थी, जिसके तहत एयरटेल ऐसी पहली कंपनी बन गई थी जिसको आरबीआई ने पेमेंट बैंक खोलने की परमिशन दी थी। इसके बाद एयरटेल ने 23 नवंबर 2016 को राजस्थान में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सर्विस को लॉन्च किया और इस सर्विस की अपार सफलता के बाद एयरटेल ने 12 जनवरी 2017 को इस प्रोजेक्ट को पूरे देश में लॉन्च कर दिया। एयरटेल के साथ साथ 11 अन्य कंपनियां भी हैं जिनको आरबीआई ने पेमेंट बैंक खोलने की परमिशन दी है। ये वो 11 कंपनियां हैं जिनको आरबीआई ने पेमेंट बैंक खोलने की परमिशन दी है, जिसमें आपका आदित्य बिरला ग्रुप, एयरटेल, चोलामंडलम, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, फिनो, नेशनल सिक्योरिटीज, रिलायंस इंडस्ट्री, सन फार्मास्यूटिकल्स, पेटीएम, टेक महिंद्रा, वोडाफोन, एमपैसा, ये 11 कंपनियां ऐसी हैं जिनको आरबीआई ने पेमेंट बैंक खोलने की परमिशन दी है। इन सभी 11 कंपनियों में से एयरटेल ने सबसे पहले अपनी पेमेंट बैंक लॉन्च की है। तो आइए जानते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुलाने के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे पहली बात ये कि एक डिजिटल बैंकिंग है और इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई पेपर वर्क नहीं करना है। जैसे आपने जियो की सिम लेते टाइम अपना ईकेवाईसी कराकर अपनी सिम एक्टिवेट कराई थी, उसी तरह केवल आपको अपने आधार कार्ड का नंबर देकर ईकेवाईसी कराना है और आपका अकाउंट तुरंत खुल जाएगा। आपको किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। और दूसरी बात ये कि इसमें बस केवल आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास एक मोबाइल नंबर है तो आप अपना खाता खुला सकते हैं, और जरूरी नहीं कि वो मोबाइल नंबर आपका एयरटेल का ही हो। एयरटेल व अन्य किसी भी ऑपरेटर का अगर मोबाइल नंबर आपके पास है तब भी आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना खाता खुला सकती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ई वॉलेट में, यानी कि आपके पेमेंट बैंक में जो भी राशि पड़ी होगी, जो भी पैसा जमा होगा, उस पर आपको 7.25% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिलेगा। ये एक सबसे अच्छी बात है। अभी तक आपने जितनी भी ई वॉलेट कंपनियां देखी उनमें आपको किसी भी तरीके का कोई ब्याज नहीं मिलता है। कंपनियां आपके जमा पैसे से अपना टर्नओवर बढ़ाती हैं लेकिन आपको किसी भी तरीके की सुविधा नहीं देती है। इसमें आप अपने पेमेंट बैंक से किसी अन्य बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग नॉर्मली आरटीजीएस और एनईएफटी करते हैं, वो सुविधा आपको इस बैंक में भी मिलेगी। इसके अलावा आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा। और इसमें एक ये खास बात और है कि आप एयरटेल के किसी भी रिटेल आउटलेट पर जाकर अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। माना कि आपको 200 रुपए की जरूरत है और आपके पास कैश 200 रुपए नहीं है, मगर आपके एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक में पड़े हुए पैसों को विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी एयरटेल के रिटेलर के पास जाइए और अपने पेमेंट बैंक से पैसा विड्रॉ कर लीजिए। इसमें क्या होगा कि वो रिटेलर आपको कैश देगा, वो पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। अभी तक जितने भी आपने ई वॉलेट कंपनी देखी तो उनमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकें। एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं।
और दूसरी अच्छी बात ये कि आप जानते हैं कि एयरटेल एक काफ़ी बड़ी कंपनी है और उसके रिटेलर हर क्षेत्र में मौजूद है, तो आपको अपने क्षेत्र में कोई ना कोई रिटेलर मिल जाएगा जो आपका काम बड़ी आसानी से कर सकता है। एयरटेल ने बताया है कि उसके 1,00,000 मर्चेंट शॉप्स हैं, यानी कि उसके पूरे भारत में 1,00,000 शॉप्स हैं जिन पर लोग मर्चेंट का काम कर रहे हैं, तो वो उन सभी शॉप्स पर आपको ये सुविधा प्रोवाइड करा देगा कि आप वहाँ से अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। एयरटेल पेमेंट बैंक आपको खाता ओपन कराने के साथ पहली फैसिलिटी मैंने जो बताई आपको वो 7.25% का ब्याज है और आप जैसे ई वॉलेट से पैसा ट्रांसफर करते थे वैसे ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी अन्य के बैंक अकाउंट में कुछ पैसा भेजना है तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा वो भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी एयरटेल पेमेंट बैंक किसी भी तरह का डेबिट कम ATM कार्ड उपलब्ध नहीं करा रहा है, लेकिन वो भी अभी प्रोसेस में, आगे हो सकता है कि आपको डेबिट कार्ड भी मिलने लगे। अभी एयरटेल ने क्या किया है कि आपको ऐप में ही एक ऑनलाइन डेबिट कार्ड दे दिया है, इसमें आपका डेबिट कार्ड का नंबर और CVC कोड बाकी सारी डिटेल उसमें मौजूद है, जिस डिटेल की जरूरत आपको ऑनलाइन पेमेंट में पड़ती है। अगर आप IRCTC वगैरह किसी पर भी अपना ATM कार्ड इस्तेमाल करके कोई टिकट बुक करना चाहते हैं तो उस कार्ड का इस्तेमाल करके आप वो टिकट बुक कर सकते हैं और पेमेंट कट जाएगा आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में से। दोस्तों सुविधाओं के साथ साथ अब हम बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक पर लगने वाले चार्जेस के बारे में। सबसे पहले हम गूगल पर चलते हैं, गूगल पर डालते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक चार्जेस। ये देखिए शेड्यूल ऑफ चार्जेस एयरटेल, तो मैं क्लिक करता हूँ तो उसके सामने एक लिस्ट खुल के आती है, इसमें लिखा है एयरटेल पेमेंट बैंक शेड्यूल ऑफ चार्जेस, क्या क्या चार्जेस हैं। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, कैश डिपॉजिट कैश लोड करना फ्री है, इसके बाद विड्रॉ पर चार्जेस हैं, अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो 500 रुपये तक 5 रुपये, 500 से 1,000 रुपये 10 रुपये और 4,000 से ऊपर का अमाउंट अगर आपको विड्रॉ करना है 0.65% आप पर लगेगा आपके अमाउंट। ये सारे चार्जेस दिए गए हैं, इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्या क्या लिमिट है ये सारे डिटेल दिए गए हैं, कोई भी ट्रांसफर करने से पहले आप इनको अच्छे से पढ़ लें। आगे की प्रोसेस जानने के लिए अब हम मोबाइल पर चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम गूगल प्ले स्टोर पर, इसके बाद आपके कुछ ऐप मिलेंगे, इसमें आपको तीसरे नंबर पर देखिए माई एयरटेल रिचार्ज बिल बैंक करके है, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं इसे ओपन करूंगा, आप इसको इंस्टॉल करके ओपन करिएगा। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ये है इसका इंटरफेस, इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, रिचार्ज, पे बिल, पे शॉप, एड मनी, सेंड मनी और पे यूटिलिटीज। इसके बाद आपको जो ऑफर है जो आपके नंबर पर वो आपको ये ऑफर भी मिलेंगे। अगर आपका एयरटेल का नंबर है तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं पेमेंट्स बैंक में, पेमेंट्स बैंक में जाने के बाद आपको यहाँ पर एम पिन डालना पड़ेगा, मैं अपना एम पिन डालता हूँ। एम पिन डालने के बाद ये देखिए ये मेरा पेमेंट बैंक ओपन हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक, इसमें आपको ऊपर की तरफ आपका अवेलेबल कैश दिखाई पड़ेगा, ये देखिए यहाँ से भी आप सेंड मनी और रिसीव एड मनी कर सकते हैं, 100, 200, 500 और अदर। इसके बाद ये देखिए ये आपका सेविंग अकाउंट, जो अकाउंट नंबर होता है वो वही रहेगा जो आपका मोबाइल नंबर है, ये आपके अकाउंट में अवेलेबल अमाउंट जो आपने जमा कर रखा है, ये देखिए ये एक सिंपल सा इंटरफेस है। इसके बाद ये क्विक एक्शन, रिचार्ज, पे बिल, पे शॉप, एड मनी, सेंड मनी, UPI यूटिलिटीज और नीचे आपका रिसेंट ट्रांजेक्शन, जो आपने रिसेंट ट्रांजेक्शन किए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप व्यू प्रोफाइल में जाके अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ये मेरी इंश्योरेंस डिटेल है, ये आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और सेविंग अकाउंट टाइप सेविंग बैंक। आप मेन्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखेंगे, बैंकिंग पॉइंट्स, इसके बाद ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ऑनलाइन कार्ड, ये एक बहुत अच्छा फीचर है ऑनलाइन कार्ड का। एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो आपको डेबिट कार्ड दिया है वो ऑफलाइन डेबिट कार्ड नहीं दिया, मतलब आपके पास कोई प्लास्टिक का कार्ड नहीं रहेगा, इस ऐप में ही आपको एक उन्होंने एक डेबिट कार्ड दे दिया है, ऑनलाइन डेबिट कार्ड पर क्लिक किया ये मेरा आ गया एयरटेल पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड, प्लेटिनम डेबिट कार्ड आ गया और इसका ये नंबर वगैरह पड़ा हुआ, सारा कुछ वैलिडिटी जो भी कुछ आपके डेबिट कार्ड पर होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और आप उसको स्वाइप करेंगे तो पीछे आपको इसका CVC नंबर भी देखने को मिलेगा। तो इस कार्ड का इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से IRCTC या अदर कहीं जहाँ भी आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं वहाँ आप इस कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पास कार्ड भी है और ई वॉलेट भी है जिसका आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी आपके पेमेंट बैंक के खाते में पैसा जमा रहेगा उस पर आपको 7.25% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज भी
मिलेगा। अब चलिए हम ये देखते हैं कि आप किस तरीके से किसी को पैसे देंगे। पैसे भेजने के लिए मैं सेंड मनी पर क्लिक करता हूँ। सेंड मनी पर क्लिक करने के बाद ये आपका आ गया इंटरफेस सेंड मनी का। आपसे हो सकता है ये एम पिन भी मांगे, अगर आपसे ये आपका एम पिन मांगता है तो आप अपना एम पिन डाल दीजिएगा। मैं एम पिन पहले डाल चुका हूँ इसलिए मुझसे ये एम पिन नहीं मांग रहा है। ये चेक करना है कि आपको मनी किसको देनी है, किसी शॉप पर देनी है, किसी पर्सन को देनी है, या आपको अपने बैंक खाते में जमा करनी है, किसी अन्य के बैंक खाते में जमा करनी है। तो जिस किसी को भी आपको मनी भेजनी है उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी शॉप को भेजनी है तो आप शॉप पर टैप कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से QR कोड स्कैन कर सकते हैं शॉप का। इसके बाद उसके मोबाइल नंबर अगर है तो मोबाइल नंबर भी डाल के आप यहाँ उसको पेमेंट कर सकते हैं। आपको किसी पर्सन को करना है तो आप उस पर्सन का नंबर डालकर और ये कमेंट जो भी किसके लिए आप पैसे दे रहे हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप वो नंबर अपने कॉन्टैक्ट से भी निकाल सकते हैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके। इसके अलावा आप बैंक में, अगर आपको किसी बैंक खाते में पैसे भेजने हैं तो आप यहाँ पर बैंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को भर के अकाउंट होल्डर्स नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी फ़ोन नंबर और कमेंट, इसको सेलेक्ट करके आप बड़ी ही आसानी से किसी के बैंक खाते में तुरंत पैसे भेज सकते हैं, जैसे आप NEFT या RTGS करते हैं अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र, और ये सीधे अकाउंट टू अकाउंट ही होता है। तो आप बड़ी ही आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपने बैंक में जमा पैसे पर ब्याज भी पा सकते हैं और उसका बड़ी आसानी से ई वॉलेट की तरह कहीं इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये ऐप आपके काफ़ी काम आने वाली है। आने वाले दिनों में आपको ई वॉलेट देखने को नहीं मिलेंगी, सभी कंपनियां आपको इसी तरीके की पेमेंट बैंक प्रोवाइड कराएंगी। पेटीएम को भी पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल चुका है लेकिन अभी वो प्रोसेस में नहीं है, और ऐसा सुना जा रहा है कि अगर पेटीएम भी दौड़ में आती है तो काफ़ी कंपटीशन होगा और ब्याज की दर बढ़ भी सकती है और आपसे लिए जाने वाले चार्जेस घट भी सकते हैं। आप बड़ी आसानी से इस ऐप का इस्तेमाल करके एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुलवा सकते हैं और उस पर ब्याज पा सकते हैं और बड़ी ही आसानी से उस पैसे का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।